10.41 पेज नंबर 261 है। 10.41 द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नेवर बी। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है आर, अभी हमने पढ़ा कि आर की रेंज क्या होती है, -1 से लेकर +1। तो क्या होगा आंसर? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डी होगा। बैक साइड से आंसर भी चेक करते रहो यार साथ साथ। 10.41 डी सही है। अच्छा 10.42 द स्क्वायर ऑफ आर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। सही है, सी होगा 10.42। 10.43 द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर बोल रहा है, आर स्क्वायर का क्या मतलब है? आर स्क्वायर का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वो लोअर एंड अपर लिमिट्स पूछ रहा है। अच्छा आप देखो आर स्क्वायर, मुझे भी पढ़ाने का मौका दे दो। आर स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, देखो अगर आपका आर, अगर आपका आर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिसाल के तौर पर 0.9 हो, सही है, तो आर स्क्वायर आपका बनेगा 81%। और अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव का 0.9 हो, उस केस में भी आर स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव 0.9 का स्क्वायर करोगे तो उस केस में भी वो 81% यानी कि पॉजिटिव ही बनेगा। सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो बी होगा, 0 to 1। 0 to 1 इसलिए क्योंकि 81% का मतलब क्या है, 0.81। सही है ना। अब देखो ना एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हो सकती है, आर की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 हो सकती है, 1 का स्क्वायर करोगे वो 1 ही रहेगा। आर की कम से कम वैल्यू 0 जो होगी उसका स्क्वायर करोगे तो वो 0 ही रहेगा। अगर कोई माइनस वाली वैल्यू होगी तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली प्लस वाली वैल्यू में तब्दील हो जाएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन 0 से 1 10.43 का आंसर बी होगा। सही है। अच्छा उसके बाद फिर 4.4 द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स दैट द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड और रिड्यूस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। यानी कि वो क्वांटिटी, वो मिकदार जो ये डिस्क्राइब करती है कि कितना परसेंटेज या कितना फीसद या कितना प्रोपोर्शन वेरिएशन आई है, बदलाव आया है डिपेंडेंट वेरिएबल में, जो कि एक्सप्लेन किया जा सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मुश्किल लफ्जों में वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब पूछ रहा है। देखो आपके पास ग्राफ पेपर पर अभी हमने एग्जांपल करी ना कि यहाँ पर यूनिट्स और कॉस्ट हो, और यूनिट्स कॉस्ट के इंक्रीज होने की रीजन यूनिट्स भी हो सकती है, इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है। और हमने आर स्क्वायर अगर 81% कैलकुलेट किया तो उसका मतलब ये कि कॉस्ट में इंक्रीज 81% तब आया था, 81% ऑफ द टाइम्स तब आया था जब यूनिट्स का इंक्रीज था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होगा, 10.44 का आंसर ए होगा। 10.45 इफ आर इज इक्वल टू 0.8 देन द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज अबाउट। आर अगर 0.8 है तो 0.8 का स्क्वायर करो 0.64 या 64%। ठीक है,